हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर, चैप्टर नंबर 20। अभी तक हमने क्या रीड किया कि बूटी इज अ ब्लाइंड बॉय ऑफ 14 ईयर्स एंड ही जस्ट ग्रेज्ड हिज फादर्स गोट एंड ही इज़ वेरी फेमिलियर विद द प्लेस वेयर ही लिव बींग अ ब्लाइंड। मीन्स एक ब्लाइंड होते हुए भी उसे अपने घर के आसपास के रास्तों की पूरी नॉलेज है। बट नाउ द वॉर विद ब्रिटिश हैड बीन स्टार्टेड, तो उसके फादर उसका ब्रदर वहाँ गए हैं फाइट पे। तो बूटी अपनी मदर के साथ अपने ग्रैंड फादर के घर आया, बट दिस प्लेस इज़ कम्प्लीटली न्यू टू हिम। बट धीरे धीरे जैसे जैसे वहाँ टाइम्स बिता रहा है, स्पेंड कर रहा है, उसे वहाँ की नॉलेज हो रही है, वहाँ के रास्तों की, वहाँ के प्लेसिस की। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आर रीडिंग एट पेज नंबर 121। वन डे अ कमांडो पास्ट, टायर्ड मैन ऑन टायर्ड हॉर्सेस। अब एक दिन क्या हुआ, कमांडो वहाँ पर आए और मीन्स पता चल रहा था कि घोड़े भी टायर्ड हैं, थके हुए हैं, और उसके ऊपर जो पर्सन है वो भी थके हुए हैं। बूटी लिसन्ड, अब बूटी ने उस चीज़ को सुना। द शफलिंग ऑफ द हॉर्सेस, द स्वीट और स्मेल ऑफ मैन टोल्ड हिम ऑल दैट ही नीडेड टू नो। शफलिंग ऑफ हॉर्सेस मीन्स हॉर्सेस के शफल जो कर रहे थे, वो अपने आप को मूव कर रहे थे। जो सोल्जर्स थे उनकी स्मेल से उसे पता चल गया कि उसने क्या जानना है उनसे। हैव यू सीन माई फादर और माई ब्रदर ही आस्क। अब उसने डायरेक्ट पूछ लिया कि क्या तुमने मेरे ब्रदर या मेरे फादर को देखा है। हु आर यू, अब उन कमांडोज में से एक ने पूछा तुम कौन हो। आई एम बूटी थिरोन ही सेड, उसने क्या कहा, मैं बूटी थिरोन हूँ, आई एम ब्लाइंड, मैं ब्लाइंड हूँ। माई फादर इज़ विद जूबर्ट्स कमांडो, कहता है मेरे फादर जूबर्ट के कमांडो के साथ गए हैं फाइट करने। वी आर जॉइनिंग जूबर्ट, वी विल टेल हिम वी हैव सीन यू। अब क्या हुआ, जब उसने पूछा कि तुमने मेरे फादर या मेरे ब्रदर को देखा है, तो उन पर्सन्स ने क्या कहा कि हाँ, हम भी जूबर्ट को ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो हम उन्हें बोल देंगे कि हमने तुम्हें देखा है। For a time he followed them, smelling the dust that lay on the veld behind them. With his feet he felt for the hooves of the horses. They were going and he must return. He was useless. अब थोड़े टाइम जब वो चले गए वहाँ से, तो पीछे ग्राउंड में जो मिट्टी रह गई उसकी स्मेल से वो थोड़ी देर तक उन्हें फॉलो करता रहा, और अपने पैरों से वो हॉर्सेस के हूव्स को भी फील कर रहा था। वो जा रहे थे लेकिन बूटी को वापस आना था। क्यों? क्योंकि वो यूजलेस था। मोर हॉर्सेज वर कमिंग बट दीज वर नॉट द हॉर्सेज ऑफ हिज पीपल, दे वर हैवियर एंड वर नॉट बींग रिडन लूज रेंड। अब उसने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ और हॉर्सेज आ रहे हैं लेकिन वो उसकी कम्युनिटी के लोगों के हॉर्सेज नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो थोड़े से हैवी हैं और उन्हें लूज रेन होता है, उनकी लगाम लूज, उनकी लगाम को बहुत टाइटली पकड़ा गया। ही कुड हियर द जिंगलिंग ऑफ चेन्स, द स्ट्राइक ऑफ मेटल ऑन मेटल। उसने क्या चीज़ सुनी, चेन की साउंड और मेटल से मेटल टकराने की साउंड। दीज वर इंग्लिश, उसने गैस कर लिया कि ये इंग्लिश सोल्जर्स हैं, ब्रिटिशर्स हैं। दे मस्ट बी इन परस्यूट ऑफ द टायर्ड मैन हु हैड पास्ड हिम अर्लियर। और उसने गैस कर लिया कि ये उन्हीं लोगों के पीछे हैं जो अभी थोड़ी देर पहले उससे मिल कर गए हैं। हैव यू सीन अ कमांडो पास बॉय, अब वो ब्रिटिश सोल्जर्स ने बूटी से पूछा कि क्या तुमने किसी कमांडो को देखा है यहाँ से, कमांडो ग्रुप को जाते हुए। इट वॉज द मैन ऑन द नियरेस्ट हॉर्स, नो डाउट द ऑफिसर इन कमांड। अब जो पर्सन बोला था उसे पता चल रहा था कि ये सबसे पास वाले घोड़े पर बैठा हुआ, इट मीन्स ये मेन ऑफिसर होगा। आई हैव बीन आउट ऑल डे, बूटी रिप्लाइड, एंड आई हैव सीन नथिंग। अब उसने क्या कहा कि मैं तो पूरा दिन बाहर था और मैंने कुछ भी नहीं देखा। यू विल गेट नथिंग आउट ऑफ दैट बॉय, अनदर मैन सेड। अब दूसरे पर्सन ने क्या कहा कि तुम्हें ऐसा करके कुछ नहीं मिलेगा। बट दे केम दिस वे ऑल राइट एंड हैव गोन टूवर्ड्स द हिल। वही पर्सन आगे कंटिन्यू कर रहा है, कहता है वो इसी साइड आए हैं और वो हिल की साइड गए हैं। दे कांट बी फार अवे, देयर हॉर्सेज आर टायर्ड, कहते हैं वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते क्योंकि उनके हॉर्सेज थके हुए हैं। येस द हॉर्सेज वर टायर्ड, बूटी थॉट। अब बूटी ने सोचा कि हाँ, उनके हॉर्सेज तो थके हुए थे। बट इट वॉज स्ट्रेंज दैट दीज मैन कुड नॉट सी वेयर द कमांडो हैड गोन, वेन द डंग ऑफ द हॉर्सेज वॉज स्टिल वॉर्म एंड डस्टलेस।
अब वो क्या कहता है, उसने मन में सोचा, कहता है लेकिन इन पर्सन्स ने अभी तक उन कमांडोज को क्यों नहीं देखा, जबकि हॉर्सेस का डंग अभी भी वार्म है और डस्टलेस है। कम ऑन द ऑफिसर सेड दे कांट बी फार। अब ऑफिसर ने कहा चलो वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। द ट्रूप स्वर्ल्ड पास्ट बूटी। अब वो जो ट्रूप था, जो सोल्जर्स का ग्रुप था, वो बूटी को पास करके आगे चला गया, मूव करके। देयर वर एज फार एज ही कुड मेक आउट सम 30 ऑफ देम। अब बूटी ने जितना गैस किया था उसे लग रहा था कि नियर अबाउट 30 पर्सन्स हैं, बट इफ देयर वॉज वन ट्रूप ऑफ इंग्लिश कैवेलरी, कैवेलरी मीन्स आर्मी, देयर वुड बी मोर। अब उसने गैस किया कि एक आर्मी का ट्रूप आ रहा है, ग्रुप आ रहा है, तो और भी आ सकते हैं। ही स्ट्रेन्ड हिज ईयर्स वेटिंग। उसने अपनी ईयर्स को बहुत अलर्ट कर दिया वेट करते हुए, क्यों, इट वुड कम सून, कि कुछ ना कुछ तो होगा। इट केम अ सिंगल शॉट, और हुआ भी, क्या चीज़, एक गन की शूट करने की साउंड आई, सिंगल, टू मोर सिंगली, और उसके बाद दो बार और हुई, लेकिन सिंगल सिंगल साउंड आई शूट करने की। दोज वर हिज पीपल। उसे पता चल गया कि ये उसकी कम्युनिटी के लोग हैं। द इंग्लिश डिड नॉट शूट लाइक दैट, क्योंकि ब्रिटिश सोल्जर्स इस तरह से शूट नहीं करते थे। दे डिड नॉट फाइट लाइक हिज फोक इन स्मॉल बॉडीज, और जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो उसकी कम्युनिटी की तरह फाइट भी नहीं करते थे छोटे छोटे ग्रुप्स में। द शॉट्स वर फास्टर नाउ। अब जो शूटिंग की साउंड थी वो थोड़ी सी तेज़ हो गई। दे वर फाइटिंग अ रनिंग एक्शन टूवर्ड्स अ माउंटेन। अब उसने गैस कर लिया कि उसकी कम्युनिटी के लोग भागते भागते शूट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं और माउंटेन की साइड जा रहे हैं। ही बिगिन टू अफ्रेड फॉर डर्क एंड हिज फादर। ही मेड हिज वे बैक स्लोली। अब उससे अपने फादर और ब्रदर के लिए डर लगने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने वापस जाना भी स्टार्ट किया। डिड यू सी द इंग्लिश, हिज मदर आस्क। अब उसकी मदर ने पूछा कि तुमने इंग्लिश पर्सन्स को देखा था, सोल्जर्स को देखा था। जा आई सॉ देम मा, ही सेड। उसने कहा यस आई सॉ देम, दे स्पोक टू मी, दे वर फॉलोइंग अ कमांडो दैट वॉज गोइंग टू जॉइन जुबर्ट, माई फादर एंड डर्क आर देयर। वो कहता है हाँ, उन्होंने मुझसे बात भी की थी और वो उसी कमांडो ग्रुप को फॉलो कर रहे थे जो जुबर्ट के जुबर्ट को ज्वाइन कर रहे हैं, और फादर और डर्क भी उन्हीं के साथ हैं। आई विश वी हैड न्यूज़, हिज मदर सेड। अब उसकी मदर कहती है कि काश हमारे पास कोई न्यूज़ होती। जामा, इट इज़ हार्ड टू लिव विदाउट न्यूज़, इट इज़ हार्ड ऑल्सो टू बी अ मैन एंड टू बी हेयर। अब वो कहता है यस माँ, विदाउट न्यूज़ रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल क्या है कि मैं एक मैन हूँ, मेल हूँ, और मैं यहाँ हूँ। टुडे आई वॉज अशेम्ड, कहता है आज मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है। फर्स्ट टू फेस आर फॉक एंड देन टू फेस द इंग्लिश, कहता है पहले मैं अपनी कम्युनिटी को लोगों को मैंने फेस किया, उसके बाद ब्रिटिशर्स को फेस किया। आई टोल्ड आर पीपल बट आई डिडंट टेल द इंग्लिश, कहता है मैंने इंग्लिश अपने लोगों को तो हेल्प की, उन्हें बात, उन्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन ब्रिटिश सोल्जर्स को कुछ नहीं बताया। दे डिडंट नो दैट आई कुड नॉट सी, कहता उन्हें तो ये भी पता नहीं चला ब्रिटिश सोल्जर्स को कि मैं ब्लाइंड हूँ, मैं देख नहीं सकता। ओ माँ, इज देयर नथिंग आई कैन डू, कहता अब वो हेल्पलेस होकर अपनी माँ से पूछ रहा है क्या ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कर सकूँ उनके लिए। दैट नाइट बूटी कुड नॉट स्लीप, कहता अब उस रात को बूटी सो नहीं पाया। इट सीम्ड एज इफ बाई नॉट स्लीपिंग, बाई सफरिंग, बाई थिंकिंग ही कुड हेल्प द अदर्स, कहता उसे ऐसे लग रहा था जैसे ना सोकर, इतना सफ़र करके, अपने आप को हर्ट करके, इतना सोचकर वो दूसरों की हेल्प कर सकता था। सो ही बिल्ट अप अ बैटल इन हिज हेड, अब उसके दिमाग में एक बैटल स्टार्ट हो गई। बाय द फील ऑफ द स्वेटिंग नेक्स ऑफ फोर्सेज, बाय द स्मेल ऑफ मैन लाइक दोज हु हैड पास्ड दैट डे, by the sound of rifle bolts, the reek of exploding cordite, the crackle of shorts, the sound of hoofs, the rattle of chains. अब ये सारी चीज़ें उसके माइंड में आने लग गई। एक्चुअली एक तरह से वो पूरे दिन को रिकॉल कर रहा था कि कैसे पहले उसे उसकी कम्युनिटी के लोग मिले, फिर उसने उनको थोड़ी टाइम तक फॉलो किया, फिर उसे ब्रिटिशर्स मिले, फिर उसे शूटिंग की साउंड आई, फिर उसे हूव्स की साउंड आई, हॉर्सेस के चेन्स की साउंड आई। तो इस तरह से वो एक तरह से पूरे दिन को रिकॉल कर रहा था। सडनली ही स्प्रैंग
अब वो सारा जब भी सोच रहा था तो एकदम वो जंप किया. मामा ही शाउटेड, उसने शाउट करके कहा मामा इट इज़ माई ब्रदर, कहता है ये मेरा ब्रदर है. इट इज़ माई ब्रदर ऑन स्वाटकी, अब वो स्वाटकी एक प्लेस है, कहता है ये स्वाटकी पर मेरा ब्रदर है. ही इज़ राइडिंग हार्ड, कहता है वो बहुत मुश्किल से राइड कर पा रहा है. ही रैन टू हीज़ मदर, वो भाग के अपनी मदर के पास गया. ही फेल्ट हर सिटिंग अप इन द बेड, अब उसने क्या फील किया कि उसकी मदर बेड पे बैठी हुई है. द गन ही सेड गेट मी द गन, अब उसने क्या कहा वो जो गन थी वो मुझे दो. शी पुश्ड द राइफल इन टू हीज़ हैंड, अब उसकी मदर ने वो राइफल थी उसके हाथ में पकड़ा दी. ही ओपन द बोल्ट एंड क्लोज इट, अब एज यू नो कि जो राइफल होती है उसे ओपन करके उसके अंदर डाला जाता है कार्ट्रिज, तो उसने वो बोल्ट ओपन किया और उसे बंद कर दिया. द कार्ट्रिज स्लिड इन टू द ब्रीच, तो कार्ट्रिज जहाँ जाता है जिसमें कार्ट्रिज डाला जाता है वो उसमें स्लाइड कर गया, आराम से चला गया. ही फाउंड द डोर एंड ओपन इट, अब इसके बाद उसने क्या किया बूटी ने डोर को ढूंढा घर के और उसे ओपन कर लिया. द अप्रोचिंग हॉर्स हैड नॉट स्लोड डाउन, अब यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है उसे एक हॉर्स की साउंड आई थी आने की, तो जो हॉर्स उसके पास आ रहा था उसकी साउंड स्लो नहीं हुई थी. लाइट द लैम्प माँ बूटी सेट, अब बूटी ने कहा माँ लैम्प जलाओ. देन गेट अ हॉर्स, और उसके बाद एक घोड़ा ले आओ. देयर इज़ अ गुड वन इन द कराल, अब वो कहता है कि कराल में कोई एक अच्छा सा घोड़ा होगा. ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द डोरवे, हिज बेयर फीट ग्रिप्ड द स्नो स्टोन फ्लोर, अब वो डोरवे दरवाजे के बिल्कुल बीच में खड़ा हो गया और उसने अपने पैरों को ना टाइटली बहुत ज़ोर से ज़मीन पर रखा हुआ था कि कोई उसे हिला ना पाए. हिज गन वॉज हेल्ड अक्रॉस हिम, और उसने गन को अपनी चेस्ट के अक्रॉस पकड़ा हुआ था, रेडी टू रेस, और ऐसे रेडी था कि वो कभी भी गन को रेस कर देगा. स्टॉप और आई शूट, ही शाउटेड, और उसने फिर शाउट किया स्टॉप और आई शूट की, या तो रुक जाओ या वरना मैं शूट कर दूंगा. इट वॉज डर्क्स हॉर्स बट इट माइट नॉट बी डर्क, अब वो घोड़े से पहचान गया था कि ये डर्क का घोड़ा है, लेकिन उसे ये श्योरिटी नहीं थी कि वो डर्क भी है उस पर या कोई और है. बूटी बूटी व्हाट आर यू डूइंग, इट वॉज डर्क, अब एकदम आवाज़ आई बूटी बूटी व्हाट आर यू डूइंग, और ये डर्क ही था, उसका ब्रदर ही था. माँ इज ब्रिंगिंग यू अ फ्रेश हॉर्स, बूटी सेड, टेक ऑफ योर सैडल एंड गो ऑन, वो कहता है मदर एक तुम्हारे लिए फ्रेश हॉर्स लेकर आ रही, भी तुम्हारा हॉर्स थक गया है, और अपनी सैडल होता है जो हम जो हॉर्स के ऊपर सीट रखी जाती है ना, उसे कहा, कहता है अपनी सीट वहाँ से उतारो और दूसरे पे आ जाओ. आई एम नॉट बींग फॉलोड, आई हैव कम फॉर यू, अब उसका ब्रदर कहता है कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ. बूटी कुड हियर हिज ब्रदर क्लैप हिज सैडल ऑन द हॉर्स हिज मदर हैड ब्रॉट, अब बूटी ने ये सुना, क्या सुना कि उसके ब्रदर ने पुराने वाले घोड़े से सीट उतार के नए वाले पे रख ली जो उसकी मदर लेकर आई थी. वट इज इट डर्क, हिज मदर आस्क, अब उसकी मदर ने पूछा कि ये क्या है डर्क. माँ आई हैव नो टाइम टू एक्सप्लेन, कहता है मेरे पास एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है. आई हैव कम टू फैच बूटी, जूबर्ट नीड्स हिम, कहता है मैं बूटी को लेने आया हूँ, जूबर्ट की इसकी नीड है, जूबर्ट को इसकी नीड है. जूबर्ट यू आर टेकिंग बूटी टू द वॉर, वट कैन बूटी डू, अब उसकी मदर कहती है जूबर्ट को नीड है, तुम बूटी को ले जाने आए हो तो बूटी क्या कर सकता है. जा वट कैन आई डू, बूटी सेट, बूटी ने कहा हाँ मैं क्या कर सकता हूँ. आई टेल यू ऑन द वे कम हेयर, अब डर्क कहता है कि मैं तुम्हें रास्ते में बताऊँगा, तुम चलो. बूटी वेंट टू वॉर्ड्स अ हॉर्स एंड फेल्ट फॉर हिज ब्रदर्स लेग, अब बूटी हॉर्स की साइड गया और उसने अपने ब्रदर की लेग को टच करना स्टार्ट किया. हिज हैंड वेंट बिहाइंड इट फॉर द लेदर, अब जब उसने अपने बिकॉज ही इज़ ब्लाइंड, अब उसे बैठना तो था, तो उसने क्या किया, पहले उसका ब्रदर हॉर्स पे बैठा हुआ है, उसने हॉर्स पे बैठे अपने ब्रदर की लेग को टच किया, उसके पीछे लेदर को टच किया जो सीट जिससे सीट बनी हुई थी. इट वुड बी हैंगिंग लूज, और वो वहाँ पे कुछ लूज लटक रहा था. एक्चुअली क्या होता है जब हम हॉर्स पे बैठे तो उसके साइड पे ना दो हैंगर टाइप लटकते हैं जहाँ पे हम पैर रखते हैं.
ही हेल्ड द स्टरअप विद वन हैंड एंड पुट हिज फुट इन टू इट। अब उसके अंदर उसने क्या किया, उसने उसकी जो जिससे वो लटका हुआ था, जिसमें पैर रखते हैं, उसे पकड़ा, अपना एक पैर रखा उसके अंदर। हिज ब्रदर हेल्ड हिज लेफ्ट हैंड ही वॉज अप, और उसके ब्रदर ने उसके लेफ्ट हैंड को पकड़ा और वो ऊपर चढ़ गया। मीन्स ही जस्ट टुक हिज ब्रदर्स हेल्प टू टू सिट ऑन द हॉर्स। होल्ड फास्ट बूटी वी आर गोइंग टू राइड। अब उसके ब्रदर ने कहा कि टाइटली पकड़ लो, हम राइड करने जा रहे हैं, मैं घोड़े को राइड कर रहा हूँ। ही हैड हार्डली गॉट होल्ड ऑफ हिज ब्रदर्स वेस्ट व्हेन द हॉर्स वॉज ऑफ। अब उसने मुश्किल से अपने ब्रदर की कमर को पकड़ा होगा कि हॉर्स भागना शुरू हो गया। देवर गैलपिंग, गैलपिंग इज द मूवमेंट ऑफ हॉर्स रनिंग, मीन्स हॉर्स रन कर रहा था। इट बिगेन टू रेन, और इतने में रेनिंग बारिश स्टार्ट हो गई। वेयर वर दे गोइंग, वट वॉज ही टू डू, वट यूज़ कुड ही बी टू जुबर्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वो कहाँ जा रहे थे, उसे क्या करना था, वो जुबर्ट की कैसे हेल्प कर सकता था। तो इस तरह से क्या हुआ कि नाउ यू विल कम टू नो कि जो बूटी है वो कैसे अपने कम्युनिटी की लोगों की हेल्प करेगा।